सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, मानते हैं फाइनल है, मगर इनफैलिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था। और कौन जे एस वर्मा? जिसको संघ परिवार के लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं, मैं उन्हीं के अल्फाज को कोट कर रहा हूं। मगर जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी नस्ल को बताऊंगा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे बताना कि 6 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो 6 दिसंबर के दिन हुआ वो मुसलमानों का मसला नहीं, वो भारत की सेकुलरिज्म को, भारत की भाईचारगी को उसकी बुनियादों खिला के रख दिया गया था। इसे हम बताते रहेंगे, ये उस दिन जो हुआ वो वैंडलिज्म नहीं था, अंडरस्टेटमेंट है वैंडलिज्म बोलना। सर इसको बढ़ाने से हासिल क्या हुआ? बढ़ाने कोई बढ़ाने की बात नहीं है, क्या महात्मा गांधी को मारने वालों को भूल जाए हम? नाथुराम गोडसे को कंडम ना करें, हम भूल जाए महात्मा गांधी के मर्डर को, हम भूल जाए बाबरी मस्जिद को, हम भूल जाए 84 में सिखों को जो मारा गया था, भूल जाए इन सबको। आज महात्मा गांधी के पोतरे तुषार गांधी का ट्वीट है, अगर उनका है तो नहीं मालूम, देख लीजिए क्या कहा, देख लीजिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उनसे सवाल करेंगे आपके तुमने इस तरह का ट्वीट क्यों किया। यकीनन हमको तकलीफ है, इससे कोई मैं छुपा नहीं रहा हूं, और मैं मक्कारी की बात नहीं करूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं कि हमको तकलीफ है, हम मुतमईन नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम बसल बोर्ड ने कहा कि हम जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, मेरा भी मौका वही है, और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। चौथी बात, मेरा इस जजमेंट पर इनिशियल मेरा रिएक्शन ये है कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को ये बोली ट्रैवेस्टी कहिए क्या कहिए, किस्मत कहिए, कि आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। मेरा मानना यह है कि अगर बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होती तो क्या फैसला देता कोर्ट, फैसला क्या आता अगर मस्जिद वहां पर रहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो मेरा जो क्योंकि 1045 पेजेस का जजमेंट है उसमें टाइम लगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया जजमेंट में बाबरी मस्जिद के शहादत का डिमोलिशन का कि वो कानून के खिलाफ था, तो अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला बताइए आप, फैसला क्या आता नहीं मालूम मुझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं। सुनिए सुनिए, और 5 एकड़ जमीन का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, देखिए हम मुसलमान जो है हिंदुस्तान के संविधान पे हमको अटूट भरोसा, हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमजोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये जिस तरह सुबह सूरज निकलता उस तरह से सच्चाई पर मुबनी है, मगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की, हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे, हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि हमको पैट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं आपको। तो अब ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या फैसला लेगा, किस बात पर फैसला लेगा, कि रिव्यू करेंगे नहीं करेंगे, वो 5 एकड़ की जमीन को कबूल करेंगे नहीं करेंगे, मेरी जाती राय यह है कि हमको 5 एकड़ के इस ऑफर को रिजेक्ट करना चाहिए। हमारी लड़ाई एक लीगल राइट की लड़ाई थी, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं है, ये किसने कहा था, ये जस्टिस जे एस वर्मा ने कहा था, जिसको बीजेपी वाले और हिंदुत्व जहन रखने वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी बात यह है कि मेरा मानना यह है कि
मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी, एनआरसी सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फख्र है, यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं कि आप देख लीजिए मेरी एक बात सच साबित होगी। ये तमाम चीजें होने वाली हैं उस मुल्क में, और ये हम समझते हैं कि ये जो फैसला आया है जो बसों ने कहा कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोर्ट ने माना है कि एएसआई की रिपोर्ट में नहीं कहा गया कि वहां पर मंदिर थी, कोर्ट ने माना उसको, और फिर कोर्ट ने यह भी कहा कि मस्जिद के अंदर हमने इबादत की वहां पर। अब ये समझ में नहीं आया कि 142 का जो एक्सरसाइज ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट ने किया ये बड़ा गैर मामूली है। सुप्रीम कोर्ट ने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है और हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफेलेबल नहीं। सर आपने ही कहा था कि पहले कोई भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आपको मान्य होगा, तो फिर आज आप बात क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या राइट नहीं है ये कहने का कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो आया है उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ? क्या हिंदुस्तान के संविधान में मुझे इसकी इजाजत नहीं है? क्या मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूँ? क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मुझे है, और उसका मैं इस्तेमाल करते हुए कह रहा हूं जो पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर वकीलों ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे, मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे यकीन भी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा और जो फैसला लिया जाएगा हम उनके साथ। सर हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में धार्मिक सौहार्द भाईचारे के लिए अगर इस तरह का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उससे पहले क्या 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 ये फैसला क्या नहीं सुनिए क्या ये फैसला भाईचारे के लिए आया? इंसाफ जब होता है तो इंसाफ ये नहीं देखता, इंसाफ ये देखता है कि टाइटल के ऊपर होता है, जस्टिस बहुत सी चीजों पर होता है। कौन कह रहा है कि हम भाईचारे के खिलाफ है? यानी ये हो गया कि 6 दिसंबर को 92 को जो डेमोलिशन हुआ था, तो आप अगर कल बताइए, अभी काशी मथुरा का चल रहा है, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के उस एक्ट का जिक्र किया है, एक्ट का जिक्र किया है, मगर आपको बता रहा हूं ये संगी लोग क्या बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिद है, वो ये लोग जाके बोलेंगे कि हाँ 91 का एक्ट हम मानते हैं मगर उसके तहखाने पर हमारा हक है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद है, बोलेंगे मस्जिद ने मस्जिद का जो सामने आंगन है उस पर हमको झगड़ा है। और फिर 89 में पालनपुर में बीजेपी ने रेजोल्यूशन पास किया था राम मंदिर का, 1960 में विश्व हिंदू परिषद 60s में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसमें राम मंदिर नहीं था। अब ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसे कई मसाजिद हैं जिस पर संघ परिवार के लोग बोलते हैं कि हमारा उस पर वहां पर किस जमाने में मंदिर थी। तो ये आज का जो फैसला आया है प्रमोद जी, ये फेथ की विक्ट्री हुई है फैक्ट्स के ऊपर।